मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अपनी ही बीवी पर चाकू से कई बार वार करके घायल कर दिया है। ये घटना आज सुबह सुबह 7 से 8 बजे के बीच में भिवंडी के गैवी नगर के अंसार किराना स्टोर के पास एक इमारत में हुआ है। जानकारी के मुताबिक 48 साल के रियाजुद्दीन ने अपनी बीवी 44 साल की नूरजहां पर जानलेवा हमला कर दिया है। रियाजुद्दीन ने चाकू से नूरजहां पर एक के बाद एक कई वार किए हैं। ये तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली हैं, जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। बताया जा रहा है कि नूरजहां से उसके पति रियाजुद्दीन अलग रह रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर खुन्नस थी और इनके दो बेटे और एक बेटी भी है। बताया जा रहा है कि ये तीनों अभी छोटे हैं, जो माँ के पास ही रहते थे, मगर माँ बाप के बीच अनबन होने की वजह से रियाजुद्दीन कई दिनों से बीवी नूरजहां को मारने की फिराक में था और आज मौका मिलते ही रियाजुद्दीन इमारत में चढ़ गया और पहले सभी फ्लैट्स जो थे उनमें बाहर से दरवाजे में कड़ी लगा दी और चौथे मंजिले पर नूरजहां के घर में घुस गया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक के बाद एक कई बार चाकू से नूरजहां पर वार किया है। हालांकि इस वार करने के दौरान नूरजहां की छोटी बेटी भी पहुंच गई और खून में लथपथ मां को देखकर ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीख पुकार की आवाज सुनते ही इमारत के नीचे से गुजर रहे लोग ऊपर पहुंच गए और हमलावर रियाजुद्दीन को पकड़ लिया। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई और घायल अवस्था में नूरजहां को कलवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शांति नगर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और आगे जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर दोनों मियां बीवी में किस बात की वजह से खुन्नस थी और आखिर रियाजुद्दीन नूरजहां को चाकू से क्यों मारना चाहता था। इस राज का खुलासा पुलिस जांच में ही होगा।